रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर, तृतीय सर्ग, भाग एक। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वंशेश हास, पावक में कनक सदृश टक्कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही पहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो अपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, चूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है, क्षपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश त्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है।